हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई विल टीच यू प्रोनाउंस। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि प्रोनाउंस की ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन होता क्या है, और प्रोनाउन के मैंने कुछ टाइप कराए थे आपको, पर्सनल, डेमोनस्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि मैंने आपके पाँच हिस्से पहले प्रोनाउंस के टाइप करा चुका हूँ, और इस वीडियो में जो भी आपके पार्ट बचे हुए हैं प्रोनाउंस के, यानी काइंड से बचे हुए हैं उनके, और उनकी जो रूल्स होते हैं, मैं उन सबको आज इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। सो स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी हम लेटेस्ट जो भी अपडेट होती है वो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की वीडियो की क्लास। तो आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन से। स्टूडेंट, इनडेफिनेट प्रोनाउन होता क्या है? ये होते हैं आपके अनिश्चयवाचक। इसमें हम टू टाइप्स से होते हैं, कि एक तो होते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन जो हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और एक होते हैं आपके जिनको हम ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करने वाले हैं स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पर इंडेफिनेट आपके प्रोनाउन लिख रखे हैं, यहाँ पर इनके करेक्ट यूज़ रखें और ये इधर वाले रॉन्ग हैं। यानी कि अगर हम इनको यूज़ करते हैं इनके साथ, हमें जो करेक्ट यूज़ करेंगे वो इंडेफिनेट अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, तो वो यहाँ हो। जैसे अगर हम किसी भी सेंटेंस में अगर हम एवरीबॉडी को यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम ही को यूज़ करेंगे, ना कि दे को। ऐसे आपका ये समरी है, उसके साथ हिम को यूज़ करना है, देन को आपको यूज़ नहीं करना है। इधर वाले ये सब आपके रॉन्ग हैं और इधर वाले आपके राइट हैं स्टूडेंट्स। ये आपका यहाँ पे थिंक आएगा, तो ये आपके जितने भी बड़ी से और नन वाले जो आते हैं आपके, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन और नम। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके साथ हम ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसी में आपके थिंग, यानी वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है आपका एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और आपका नथिंग। इनके साथ हम ये यूज़ करते हैं, एवरीथिंग के साथ हम इट यूज़ करते हैं, समथिंग के साथ स्टूडेंट हम इट्स यूज़ करते हैं, और एनीथिंग इनके साथ हम इट्स सेल्फ यूज़ करते हैं, ना कि आपके इनका। स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने इसमें आपको बताया एग्जांपल के थ्रू, आप बड़े आसानी से समझेंगे। स्टूडेंट ये हैं आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए मैंने, जो भी आपको बताया था अभी वहाँ पर। जैसे यहाँ आपका यूज़ किया गया फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ई में, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। तो स्टूडेंट मैंने बताया था कि जब हम इंडेफिनेट जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसके साथ हम हिज, हर, इस तरीके से आपको प्रोनाउन को यूज़ करना होता है। यहाँ एवरीबडी शुड लव देयर, यहाँ स्टूडेंट ये आपको प्लुरल फॉर्म में यूज़ नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और ऊपर वाला आपका राइट हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट आपका एवरीबडी शुड लव वंस कंट्री, स्टूडेंट हम वंस का भी यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग है। Everybody should love its country, स्टूडेंट ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट बात आती है आपकी कि everything has its own limitation, यानी कि प्रत्येक जो है वो अपनी limitation जो भी होती है उनको रखता है। तो हमने बताया था भी आपको कि thing, यानी everything, something और nothing के साथ हम it, itself और आपका its का use करते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर its का use किया है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका इसका यूज़ किया है ये, क्योंकि ये थिंग वाले और थिंग के साथ हम इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करते, इसलिए ये आपके सब रॉन्ग हो जाएंगे, केवल आपका ये सी और आपका ए वाला सही रहेगा। नेक्स्ट रूल इसमें बताया गया स्टूडेंट, अगर हम कहीं भी वन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो इसके लिए नॉमिनेटिव में वन, सब्जेक्ट के लिए वन, ऑब्जेक्ट में वन, पसेसिव में वंस एवं रिफ्लेक्स में वन सेल्फ का यूज होता है, ना कि ही, हिमसेल्फ तथा वन, वन, दे, देम, दे और देम सेल्फ का। स्टूडेंट इसका मीन्स ये हो गया, ये आपका होता है वन। अगर हम वन का अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो नॉमिनेटिंग क्या होता है स्टूडेंट आपका, नॉमिनेटिंग मीन्स होता है सब्जेक्ट केस आपका। तो नॉमिनेट में केस में हम इसका वन यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट केस में इसको हम वन यूज़ करते हैं। पसेसिव होता है स्टूडेंट उसका अधिकार दिखाने के लिए, तो हम वंस यूज़ करते हैं, और रिफ्लेक्स होता है स्टूडेंट आपका प्रभाव दिखाने के लिए, उसके लिए हम वन सेल्फ का यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा कहीं भी वन
को एज हम सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसके साथ हमको वन वंस इस तरीके से, नॉमिनेटिव केस में हमें वन यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट केस में आपको वन यूज करेंगे, पसेसिव जहाँ पर हमको अधिकार की बात होगी वहाँ पर हम वंस का यूज करेंगे, और रिफ्लेक्स में स्टूडेंट हम वन सेल्फ का यूज करते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के तरह, जैसे यहाँ बताया कि वन शुड लव वंस कंट्री। स्टूडेंट यहाँ हम वंस का यूज करेंगे, ये आपका सही है, वन शुड लव हिज कंट्री, ये स्टूडेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है जब भी हम वन का एज सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वहाँ पर हम वंस वन और वन सेल्फ का यूज करते हैं, ना कि हिज का, ये आपका स्टूडेंट्स रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका वन शुड लव वंस कंट्री, तो ये आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा, वन शुड लव देयर कंट्री ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, वन शुड हेल्प वन सेल्फ तो एक को हेल्प करनी चाहिए खुद की, तो ये आपका सही है, और इसके साथ हम हिम सेल्फ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट केस दिखा रहा है, इसलिए आपका पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसलिए आपका स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा, और ना ही हम इसके साथ वन सेल्फ का यूज करते हैं। तो ये मैंने वहाँ बताया था आपको कि किस तरीके से अगर आपका वन सब्जेक्ट यूज़ किया गया है तो उसके साथ हम सब्जेक्ट केस में क्या यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट केस में आपका क्या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका, जब हम बात करते हैं सम और इससे बने प्रोनाउन, सम मीन्स होता है कुछ, यानी कि समवन, समबड़ी और समथिंग का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी तथा इससे बने प्रोनाउन एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग का यूज स्टूडेंट हम नेगेटिव सेंस में होते हैं, यानी सेम और आपका एनी होता है स्टूडेंट, सेम जो होता है आपका, सॉरी सम, तो उससे जो भी आपके प्रोनाउन बनते हैं वो आपके अफर्मेटिव यूज किए जाते हैं, जबकि आपका एनी जो होता है उससे आपके नेगेटिव में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ आपका बताया गया है कि ही हैज़ वॉच सम एप्पल, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ये यूज़ किया गया है ये आपका अफर्मेटिव में यूज़ किया गया है, और यहाँ आपका ही हैज़ वॉच एनी एप्पल, तो ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ किया है, और जबकि आपका सम का यूज़ हम पॉजिटिव वे में करते हैं, इसलिए यहाँ आई हैव नॉट एनी पेन, तो ये आपका नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ बताया गया आई हैव नॉट सम पेन, तो ये स्टूडेंट हमने नॉट का यूज़ किया यानी नेगेटिव सेंस हो गया, इसीलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट हम प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसका हम यूज करते हैं, आप इसका यूज अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपका बताया गया कि हैव यू वॉट सम पेन, या फिर हैव यू वॉट एनी पेन, तो नेगेटिव में प्लूरल काउंटेबल नाउन में हमें इसका एज अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो, सम में और एनी के साथ, दोनों के साथ। तो ये थे स्टूडेंट आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूल्स। अब स्टार्ट होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, होता है संबंधवाचक, यानी कि जो किसी का किसी से क्या स्टूडेंट संबंध बताता है। इसमें फर्स्ट रूल है आपका नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस जो होता है स्टूडेंट उसमें हु, हु मीन्स होता है कौन, जब हम बात करें कि हम हु को कहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये यूज किया जाता है फॉर ह्यूमन, यानी गॉड, गॉड्स, फेयरी, अप्सराएं जो होती हैं, एंगल्स यानी देवदूत के लिए, पालतू जानवरों के लिए भी होता है, अगर हम किसी भी पालतू जानवर को एस देखते हैं कि वो एक व्यक्ति के रूप में मिलता है तो उसके साथ हम नॉमिनेटिव केस में एस सब्जेक्ट हम इसको यूज करते हैं हु को। अब बात आती है स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कर्म, यानी किसको, हुम मीन्स होता है किसको, इसका भी यूज हम सेम हु की तरह ही करते हैं, वर्ड क्या है स्टूडेंट इसका यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट केस में, और आपका हु का यूज करते हैं हम एज सब्जेक्ट केस में, यानी कि नॉमिनेटिव केस में, और ये आपका ऑब्जेक्ट केस में यूज करते हैं। जब बात आती है आपकी पसेसिव केस की कि हुज, हुज मीन्स होता है स्टूडेंट किसका, तो इसका यूज होता है फॉर ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व या अधिकार दिखाने के लिए होता है, इसका यूज हम मानव, जानवरों व निर्जीव चीज़ों के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। स्टूडेंट यहाँ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं रिलेटिव टू हु से पहले, द मैन हु इज स्टैंडिंग हेयर इज माई फादर, यहाँ स्टूडेंट यो हु यूज किया गया एज आपका नॉमिनेटिव केस यूज किया कि द मैन, द मैन मीन्स क्या होगा कोई आदमी, हु मीन्स कौन, कौन यानी इज स्टैंडिंग हेयर इज माई फादर, तो यहाँ पता चलता है हमें सब्जेक्ट के बारे में कि कोई जो व्यक्ति खड़ा है वो कौन है, वो आपका कौन है,
यानी कि द मैन हु इज स्टैंडिंग हेयर इज़ माई फादर, यानी कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो मेरे। और नेक्स्ट एंगल में बताया कि द मैन हुम इज स्टैंडिंग हेयर इज़ माई फादर, तो यहाँ हुम मीन्स किसको, तो ये आपका स्टूडेंट गलत हो जाएगा और ये आपका सही। ऐसे इसमें बताया कि द मैन विच इज स्टैंडिंग हेयर इज़ माई फादर, तो विच स्टूडेंट फॉर थिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, ऑप्शन के लिए यूज़ करते हैं, चॉइस के लिए यूज़ करते हैं, ना कि किसी पर्सन के लिए, तो ये आपका स्टूडेंट ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बताया कि वी वर्शिप गॉड हु इज़ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, तो स्टूडेंट मैंने भी बताया था कि हम जो हु का यूज़ करते हैं गॉड्स गॉड्स एंगल्स जो अप्सराएं वगैरह होती हैं उनके लिए, तो यहाँ हमने गॉड को यूज़ किया गया है एज सब्जेक्ट यहाँ पर, तो इसकी जो बारे में जो बात कर रहा है हु बता रहा है आपके किसके, गॉड के बारे में, यानी हम किसकी पूजा करते हैं स्टूडेंट, हम पूजा करते हैं भगवान की, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ बताया कि वी वर्शिप गॉड विच इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, स्टूडेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, या फिर हम कहीं भी हम बात करते हैं किसी भी अल्टरनेटिव चॉइस के लिए तो वहाँ हम विच का यूज करते हैं, तो यहाँ ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसने नोट में बताया स्टूडेंट कि हु के बदले हम हुम का यूज़ नहीं करते हैं, यानी हु का यूज हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन आई बी यू ही और दे के समान करते हैं, इसके साथ हम वर्ब का यूज़ निश्चित रूप से होता है। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि हु के बदले आप हुम का यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर हम हु का यूज़ करते हैं तो उसको हम एज सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस मीन्स होता है स्टूडेंट सब्जेक्ट की बात कर रहा है आपका, तो इसके प्रोनाउन जो होते हैं वो होता है आई वी यू ही सी दे के समान होता है, इसके बाद हम वर्ब का यूज़ निश्चित रूप से करते हैं, यानी कि अगर ये कहीं भी अगर आपका यूज हो रहा है तो इससे हु है, तो हु के बाद हमने यहाँ इसका यूज़ किया है देखो, और यहाँ हम बात कर रहे हैं हु के, तो यहाँ भी हमने वर्ब का यूज़ किया, तो यानी यहाँ भी ये यूज़ होता है नॉमिनेटिव केस में, यानी एज सब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम हेल्प यानी कि वर्ब का यूज हम निश्चित रूप से करते हैं। बात आती है स्टूडेंट आपके होम की, होम क्या होता है, होम मीन्स होता है किसको, दिस इज़ द गर्ल होम आई लव, यानी कि ये वही लड़की है जिसको क्या है मैं प्रेम करता हूँ, यानी तो यहाँ स्टूडेंट जो होम यूज़ किया गया है ये होम यूज़ किया गया है एज आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपके कर्म के बारे में बात कर रहा है, दिस इज़ द गर्ल, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि यह कौन लड़की है, यानी कि मैं प्यार करता हूँ किसको, किसको मीन्स किसके बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट, ये आपके ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी होम को एज हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो ये आपका सही है। दिस इज़ द गर्ल विच आई लव, विच का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका आपका लिविंग थिंग है ना कि नॉन लिविंग थिंग, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब बात आती है दिस इज़ द लॉर्ड कृष्णा होम आई वर्शिप, यानी कि ये भगवान कृष्ण है जिनकी मैं पूजा करता हूँ, तो यहाँ ये आपका जो होम यूज़ किया गया है स्टूडेंट ये आपका यूज़ किया गया है ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि हम पूजा तो करते हैं भगवान की, किसकी करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो यहाँ ये आपका सही हो जाएगा, और यहाँ हमने फिर से पीछे यूज़ कर दिया इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपका नोट कि होम के बदले हम हु का यूज़ प्रचलित है, यानी कि हम हु की होम की जगह पर यानी किसको की जगह पर कौन का भी यूज आप कर सकते हो, जैसे यहाँ होम का यूज़ हम ऑब्जेक्ट केस में यानी मी अस यू हिम हिम के समान ही होता है, अगर हम बात करते हैं कहीं भी जो आपकी ऑब्जेक्ट केस के जो प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं आपके मी अस यू हिम हर देम, तो उनको हम ऑब्जेक्ट केस में यूज़ करते हैं, लेकिन हुम के ठीक बाद वर्ब का यूज़ नहीं होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि अगर हम कहीं भी हु का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप वर्ब का यूज़ तुरंत करते हो, लेकिन अगर कहीं भी आपका हुम यूज़ होता है तो हुम के बाद आप वर्ब का यूज़ नहीं होता, इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि इसके बाद हुम के बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और वर्ब के ऑब्जेक्ट का ये आपका काम करता है। थर्ड में बताया कि प्रपोजिशन के बाद हुम का यूज़ होता है ना कि अगर आपका कहीं प्रपोजिशन यूज़ किया गया है तो स्टूडेंट उसके बाद आप हुम का यूज़ करोगे ना कि आप हु का, जैसे यहाँ बताया गया है आपका सी इज़ द वुमेन विद हुम कामेस लिप्स, यानी कि यह वही औरत है जिसके साथ कामेस लिप्स, तो मैंने स्टूडेंट बताया था कि अगर हम कहीं भी होम यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप वर्ब का यूज़ नहीं करोगे, उसके बाद आप यूज़ करोगे नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर काम है, तो ये आपकी बात थी आपकी बिल्कुल सही है। और यहाँ आपका यूज़ किया गया प्रपोजिशन, यहाँ पर विद क्या है स्टूडेंट आपका प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमने होम को यूज़ किया गया है और होम के बाद आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपने क्या किया है
ये है आपका विद, यहाँ हु स्टूडेंट आपको यूज नहीं करना था, हमें यूज़ करना था आपका हु। तो इस तरीके से आपका ये हु और आपका हुज का जो डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हुज, यानी कि दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर लिव्स इन मुंबई मथुरा, यानी हुज स्टूडेंट यूज़ किया जाता है फॉर ऑनरशिप, यानी अधिकार दिखाने के लिए, पसेसिव के लिए। ये बता दे रहा है कि दिस इज़ द गर्ल, यह वही लड़की है, यानी हुज मीन्स जिसका ब्रदर लिव्स इन मथुरा, किसका भाई, किसका भाई, इस लड़की का भाई। तो ये क्या स्टूडेंट, ये आपका अधिकार दिखा रहा है कि यह उस लड़की का भाई, किस लड़की का, जिस लड़की का, जिस जिसका भाई, यानी कि दिस इज़ द गर्ल, यह वही लड़की है जिसका भाई स्टूडेंट मथुरा में रहता है। तो ये जो ब्रदर है किसका है, गर्ल्स पर आपका इफेक्ट है, यानी पसेसिव, यानी अपना अधिकार दिखा रहा है। नेक्स्ट में बताया गया है दिस इज़ द गर्ल हु या बिच हु ब्रदर लिव्स इन मथुरा, तो ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा रॉन्ग। दिस इज द डॉग हुज नेम इज टनी, जब मैंने बात की थी स्टूडेंट, यहाँ आपका अधिकार दिखा रहा है किसका, कि दिस इज़ द डॉग, यह वही कुत्ता है जिसका नाम क्या है आपका टॉनी। तो ये आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा। तो लेकिन इसमें इसने बताया है कि जब हम हुज के बदले आप होम बिच होम का यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ पर आप अगर स्टूडेंट आपको हुज का यूज़ करना है तो आपको हुज का यूज़ करना होगा, ना कि आप बदले, ना आप होम का यूज़ करोगे, ना आप बिच का, ना होगा। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट आपका इसमें कि बिच का यूज जानवरों एवं निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नॉमिनेटिव व ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में होता है। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट बिच की, तो बिच का आप यूज़ एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि द डॉग बिच इज ब्लैक इज माइन, तो यहाँ बात की गई स्टूडेंट की द डॉग बिच मीन्स क्या है, जो कि ब्लैक इज माइन, जो ब्लैक कुत्ता है वो किसका है, वो मेरा है। तो यहाँ माइन यूज किया गया आपका, दिस इज द डॉग हुम हु इज द ब्लैक इज, तो ये स्टूडेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये आपका ओनरशिप नहीं दिखा रहा है, और यहाँ हमने जो डॉग है ये क्या आपका लिविंग थिंग्स है, और जो ब्लैक इज की क्वालिटी बता रहा है। ऐसे इसमें इसने बताया कि बिच के बदले आप हु और हुम का यूज़ नहीं होता, यानी अगर कहीं पर आपको बिच का यूज़ करना है तो स्टूडेंट वहाँ आप केवल बिच का यूज़ कर सकते हो, ना कि आप उसकी जगह पर हु और हुम का। नेक्स्ट थर्ड रूल में अब इसका बताया कि बिच का पसेसिव फॉर्म ऑफ बिच या हुज होता है। स्टूडेंट जब हम बात करते हैं बिच की, हमें कहीं भी अधिकार दिखाना होता है, पसेसिव बताना होता है, तो उसका जो भी पसेसिव फॉर्म होता है वो आपका ऑफ बिच होता है या फिर आपका हुज होता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि हुज या ऑफ विच, उसके बाद हम कोई भी क्लॉज यूज करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आपका ए रूम हुज डोर आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव, तो स्टूडेंट यहाँ हमने हुज का यूज किया गया है और यहाँ पर ये पेंटेड है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताया गया ए रूम ऑफ विच, तो स्टूडेंट यहाँ हमने ऑफ विच का यूज किया है, ये क्या बता रहा है आपका अधिकार बता रहा है कि एक कमरा है जिसके डोर कैसे हैं आपके आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव, तो ये स्टूडेंट आपका सही हो जाएगा इस तरीके से। ये आपके कुछ फ्रेज होते हैं विद के साथ, आपके फ्रेज होते हैं ए रूम विद, यानी कि हम विद के साथ हम ए फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि ए रूम विद पेंटेड डोर लुक्स अट्रैक्टिव, तो ये आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगर मान लो अगर आपको कोई भी इनसे अगर आपको डाउट मिलता है, अगर आपको आपको लगता है कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमको डाउट है, तो आप मुझे अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका कि प्रपोजिशन विच यूज ऑफ, उसके बाद रिलेटिव, ये क्रिया विशेषण होते हैं स्टूडेंट आपके, कि हम कोई भी प्रपोजिशन यूज करेंगे तो उसके साथ जो विच यूज किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग, यानी किसके प्रपोजिशन में बात करेगा, और उसके साथ हम कौन सी एडवर्ब यूज करेंगे। जैसे यहाँ प्रपोजिशन दिया गया कि इन, अगर हम विच के साथ स्टूडेंट हम यूज करते हैं प्रपोजिशन इन, तो ये बताता है आपको टाइम के बारे में, और हम बात करते हैं ऑन विच, तो ये भी आपके टाइम के बारे में बताता है। अगर हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग विच, यानी इन ऑन और ड्यूरिंग, अगर हम विच के साथ यूज़ करते हैं तो वो स्टूडेंट एक्सप्रेस करता है आपका टाइम को, और उसके साथ जो एडवर्ब यूज किया जाएगा वो यूज किया जाता है आपका वैन। अगर हम बात करते हैं कि इन विच और एट, एट तो स्टूडेंट यूज़ किया जाता है प्लेस के लिए, अगर इन यूज़ किया जाता है यानी किसी बिग प्लेस की, यानी किसी हम बड़े शहर की सिटी की बात करते हैं, तो इन विच और एट विच आपका प्लेस के लिए होता है, और उसके साथ हम यूज़ करते हैं आपका वेयर। और अगर हम बात करें फॉर विच,
फॉर मीन्स होगा के लिए, तो ये आपका बताता है रीजन, यानी कि इसका हम एडवर्ब यूज करते हैं स्टूडेंट वाई। जैसे यहाँ आपका बताया गया है दिस इज द होटल बिच, या हम बात करें इन बिच माई फादर वॉज स्टे, तो यहाँ बताया गया स्टूडेंट कि दिस इज द होटल, यह वही होटल है बिच जो कि, या हम बात करें इन बिच, तो ये स्टूडेंट आपका बता रहा है यहाँ पर, ये एक्सप्रेस कर रहा है आपका टाइम, ये वही होटल है जहाँ पर मेरे पिताजी क्या था यानी रुके थे, यानी तो ये स्टूडेंट आपका टाइम को एक्सप्रेस करता है। और दिस इज द होटल वेयर माई फादर वॉज स्टेइंग, तो ये स्टूडेंट आपका बता रहा है आपको प्लेस के बारे में, यानी कि यह वही होटल है जहाँ पर मेरे पिताजी रुके थे, और यहाँ बता रहे हैं यह वही होटल है जिसमें मेरे पिताजी, यानी कि ये टाइम एक्सप्रेस कर रहा है और यहाँ पर आपका प्लेस एक्सप्रेस कर रहा है। और यहाँ बताया गया ही डज नॉट नो द रीजन फॉर विच ब्रदर वॉज अरेस्टेड, यानी कि वह नहीं जानता था कि उसका कौन सा भाई आपका अरेस्ट हो चुका है। तो यहाँ फॉर विच यूज़ किया गया स्टूडेंट आपका, तो ये बता रहा आपका रीजन, रीजन क्या है, उसे ये नहीं पता कि उसका भाई किस वजह से पकड़ा गया, तो ये आपका यहाँ पर डिनोट कर रहा है आपका रीजन। या हम कहें ही डज नॉट द रीजन वाई माई ब्रदर वॉज अरेस्टेड, स्टूडेंट आप इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। बात करते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट टूल के बारे में कि दैट का यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन में, यानी संबंध जो आपके सूचक जो प्रोनाउन होते हैं यानी होते हैं उनके रूप में हम मनुष्य और यानी कि नॉमिनेटिव केस और थिंग्स के लिए हम कर सकते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन के अर्थ में भी आप इसका यूज कर सकते हो। और दैट का यूज हु और हुम या विच के बदले होता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट दैट की, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं और ये आपका यूज़ किया जाता है यानी कि हु और आपका बिच और हुम की जगह पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ बताया गया आपका दिस इज़ द टीचर दैट टॉट माई चिल्ड्रन, यह वही टीचर है जो मेरे बच्चों को क्या है स्टूडेंट पढ़ाता है। अगर हम बात करें अगर इसका हम हु के साथ इसका बनाएंगे तो जो बनता है वो आपका बनेगा दिस इज़ द टीचर हु टॉट माई, यानी कि हु की जगह पर स्टूडेंट हमने यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया। और यही मैंने आपको बताया गया है कि यहाँ पर हम ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है, तो इसके हम हु और बिच और हुम की जगह पर आप दैट का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ बताया गया कि द पेन विच इज़ ब्लैक इज़ माइन, यानी कि जो ब्लैक पेन स्टूडेंट वो मेरा है, बताया गया कौन सी ब्लैक यानी किस पेन की बात कर रहा है स्टूडेंट बिच, तो यहाँ बिच यूज़ किया गया और यहाँ आपका हु यूज़ किया गया स्टूडेंट। और इसमें बताया गया आपका होम, ठीक है, जैसे द पर्सन दैट आई लाइक मोस्ट इज माई फादर, यानी किसी बात कर रहा है कि यह वह व्यक्ति जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ या लाइक करता हूँ तो वो कौन है आपके पिताजी, यानी कि होम की जगह पर आपने यहाँ पर दैट का यूज़ किया है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल बताया गया स्टूडेंट कि दैट के पसेसिव में ऑफ दैट का यूज़ नहीं होता है। जब हम बात करते हैं दैट का, अगर आपको अधिकार दिखाना हो यानी पसेसिव मीन्स होता है अधिकार दिखाना हो, तो ऑफ दैट का यूज़ हम नहीं करते। जैसे कि अभी आपने ऑफ विच या इन विच या ड्यूरिंग विच का जैसे यूज़ किया, तो इसकी तरह आप यहाँ पर ऑफ दैट का यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक हम ऑफ विच या हुज का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। जब दैट का अगर आपको कोई पसेसिव दिखाना हो यानी अधिकार दिखाना हो, तो उसकी जगह पर आप ऑफ विच या हुज का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ बताया गया द गर्ल्स ऑफ दैट फादर टीचेस इन माई स्कूल इज लेबोरियस, द गर्ल्स यानी कि लड़की दैट के फादर, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि किसके फादर, तो ये यहाँ दैट क्या है स्टूडेंट आपका पसेसिव अधिकार बता रहा है कि यह मतलब द गर्ल उसके पिताजी, तो यहाँ जो उसके पिताजी के जो बारे में अधिकार दिखा रहा है वो हमने वर्ड यूज नहीं किया यहाँ पर, और इस तरीके से हमने इसको बना दिया तो ये गलत होगा। लेकिन सेकेंड इसका एग्जाम्पल जो दिया गया इसमें बताया कि द गर्ल हुज, तो यहाँ स्टूडेंट ये क्या है आपका, या तो आप इस ये पे द गर्ल ऑफ बिच यानी कि वो लड़की जिसके पिताजी, किसकी लड़की है मतलब वो उस टीचर की लड़की है जो स्कूल में क्या है यानी हमारे स्कूल में जो पढ़ाता है इस वेरी लेबोरियस, तो यहाँ द गर्ल्स हुज फादर टीच इन माई स्कूल इन लेबोरियस। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो यहीं तक, जो भी आपके रूल जो बचे हैं मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। क्या होता है ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है तो देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से मैं
इसकी एक और पार्ट बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और फुल वॉच किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।